टू एंड हाफ आवर दैट मीन्स टोटल हंड्रेड एंड फिफ्टी मिनट नो एग्जाम पेपर का जो कॉम्पोजिशन रहता है वो कुछ इस तरह से रहता है मैथ्स के फिफ्टी क्वेश्चन आते हैं ईच क्वेश्चन इज ऑफ थ्री मार्क्स दैट मीन्स टोटल कॉन्ट्रीब्यूशन इज वन हंड्रेड एंड फिफ्टी मार्क्स नो कमिंग टू इंटेलिजेंस जिसे हम लोग रीजनिंग भी बोलते हैं रीजनिंग के ट्वेंटी फाइव क्वेश्चन आते हैं ईच ऑफ टू मार्क्स दैट मीन्स फिफ्टी नंबर का कॉन्ट्रीब्यूशन रीजनिंग का रहता है नाउ कमिंग टू लैंग्वेज पार्ट यहाँ पर इंग्लिश हिंदी और आपकी ऑप्ट की भी, जो रीजनल लैंग्वेज होती है वो रहती है इसके 25 क्वेश्चन आते हैं ईच ऑफ मार्क्स मार्क्स दैट टोटल 50 marks का language का लैंग्वेज पोर्शन आएगा इसके बाद बात आती है जीके और जनरल साइंस दैट मीन्स हम लोग जिसको जीके बोलते हैं जनरल नॉलेज और जनरल साइंस इसके भी ट्वेंटी क्वेश्चन आते हैं ईच ऑफ अगेन टू मार्क्स टोटल फिफ्टी मार्क्स का कॉन्ट्रीब्यूशन जीके का रहता है तो so, ओवरऑल जो पूरा का पूरा आपका क्वेश्चन पेपर रहता है उसके अंदर हंड्रेड एंड ट्वेंटी क्वेश्चन पेपर रहेगा यहाँ पर एक बात ध्यान रखिएगा कि सैनिक स्कूल के अंदर कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है तो आप बहुत आराम से कोई भी क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर सकते हैं आपको नेगेटिव मार्किंग से डरने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है क्वेश्चन पेपर का मीडियम क्या रहेगा तो इंग्लिश और हिंदी के अलावा जो भी कैंडिडेट है वो कुछ रीजनल लैंग्वेज को ऑप्ट कर सकते हैं अब वो रीजनल लैंग्वेज कौन कौन सी है वो मैं आपको बता देती हूँ वो है तमिल मलयालम तेलुगु कन्नड़ा मराठी उड़िया गुजराती आसमी पंजाबी बंगाली और उर्दू इन रीजनल लैंग्वेज में से आप ऑप्ट कर सकते हैं हिंदी और इंग्लिश के अलावा Now, अब हमारे क्वेश्चन पेपर का मीडियम क्या रहेगा तो जो कैंडिडेट इंग्लिश और हिंदी को करता है, तो उनका होता है, और हिंदी दोनों के अंदर आएगा लेकिन अगर आपने किसी रीजन लैंग्वेज को ऑप्ट किया है तो आपका क्वेश्चन पेपर इंग्लिश और आपकी ऑप्टेड लैंग्वेज में से आएगा फॉर एग्जाम्पल अगर मैंने बेंगोली को ऑप्ट किया है तो मेरा क्वेश्चन पेपर इंग्लिश और बेंगोली के अंदर आएगा का okay? so, का जो exam paper का duration रहता है, है वो होता है three hour, that means total 180 minutes आपको मिलते हैं क्वेश्चन पेपर को करने के ना क्वेश्चन पेपर की कॉम्पोजिशन को भी यहां पर देख लेते हैं so, मैथ्स के टोटल फिफ्टी क्वेश्चन आते हैं

25 25 क्वेश्चन आते हैं दोनों का जो क्वेश्चन का मार्किंग है वो दो नंबर का रहता है दैट मींस इनका भी 50 50 मार्क्स का कंट्रीब्यूशन होता है ईच इस एग्जाम क्वेश्चन पेपर के अंदर आपको 150 क्वेश्चन टोटल करने होते हैं जिनका मैक्सिमम मार्क्स रहता है 400 मार्क्स यहाँ पर भी सैनिक स्कूल 6th की तरह कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं होती means, आप बहुत इजीली और कॉन्फिडेंटली अपने क्वेश्चंस जो है, है।, है सिर्फ इंग्लिश के अंदर ही होता है किसी और लैंग्वेज के अंदर ये क्वेश्चन पेपर आपको नहीं मिलेगा आपके पास में ऑप्शन ही नहीं होता है किसी और लैंग्वेज को ऑप्ट करने का सो डियर स्टूडेंट आई होप हमारे क्वेश्चन uh, पेपर की कॉम्पोजिशन या उसके मीडियम लैंग्वेज को लेकर आपके मन में जो भी कंफ्यूजन होंगे वो सारे के सारे इस सेशन को देखने के बाद में दूर हो गए होंगे तो so, ऐसे ही बहुत इंपॉर्टेंट वीडियोस देखने के लिए आज ही सब्सक्राइब करें शौर्य भारत सैनिक स्कूल मिलिट्री स्कूल यूट्यूब चैनल को और जुड़िए शौर्य भारत के साथ में और कीजिए अपना सैनिक स्कूल में जाने का सपना पूरा जय हिंद जय जै भारत